नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जैसे कि आप सबको पता है कि आज देश ऐसी महामारी से गुजर रहा है जिसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों की जिंदगियां छीन ली, लोगों की रोजी रोटी कमाने वाले छीन लिए, नौकरी छीन ली, बेरोजगारी भुखमरी की त्राही त्राही माम करने लगे लोग। लेकिन एक तरफ आम लोग हैं जो बाहर निकलने के लिए, उनके लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इवन यहाँ तक आम लोगों के मन में एक डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। इन सब के बावजूद जो सरकार है, जिसकी राज्य से लेकर केंद्र में हर जगह सरकार है, यानी कि सरकार अब सौतेली होती जा रही है और उसका सौतेलापन आप बखूबी देख सकते हैं। आपको बता दें कि आम लोगों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, हालांकि ये कहीं तक आम लोगों के लिए ही बचाव का एक जरिया है, लेकिन क्या जो कानून की किताबें हैं और कानून सिर्फ आम जनता को पढ़ाने और उनको समझाने के लिए ही बने हैं, उसका क्या, सरकार का क्या जो चुनावी रैलियों के लिए हजारों लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है, या यूं कहें कि सिर्फ एक गद्दी के लिए हजारों लोगों को मुंह में मौत के मुंह में धकेलने के लिए पीछे नहीं हट रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें लिखा था कि ये जो चुनावी रैलियां हैं उसमें 5 नेता या 5 लोग ही वोट मांगेंगे और जो भी जनसभाएं हैं या रैलियां हैं सिर्फ 5 लोग ही करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हजारों की तादाद में रैलियां की जा रही हैं, जहां पर नेता खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं वहां पर जनता क्या करेगी। पूरे देश की बात की जा रही है कि पूरे देश में स्थिति बिगड़ती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोगों को कोरोना हो रहा है, लोगों को डर है, उसके बावजूद सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, या यूं कहें कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, लोगों को बताते हैं कि कोरोना बढ़ता जा रहा है, सावधानी बरतें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। लेकिन ये चीजें आज हम भी एक देश की बेटी होने के नाते सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ सारी चीजें, ये कानून, ये लॉ, ये हर चीज सिर्फ आम लोगों के लिए है। देश के नेता जो इन कार्रवाइयों से बचने के लिए क्या स्पेशल चमनप्रास खा के आए हैं? इनसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम लोग सड़क पर निकलते हैं, जैसे आप मान ले बात कर लेते हैं हरियाणा के, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लोग शाम को निकल रहे हैं, लोग रात को अगर 10 बजे के बाद दुकानें खुली होती हैं या वो बाहर जाते हैं तो पुलिस उन्हें एक तरह से सतर्क करती है या उन्हें चेतावनी देती है कि अब कल से आप बाहर मत निकलिए क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, नहीं तो आपको पनिशमेंट यानी कि सजा दी जाएगी। एक कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें आम लोगों को पुलिस वाले मारते दिखाई दे रहे हैं, गालियां देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कानपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नाइट कर्फ्यू के दौरान एक युवक बाहर निकला था, उसको पुलिस वालों ने ऐसे मारा जैसे कि वो कोई हिस्ट्री सीटर हो, उसको उसकी पिटाई की, उसको कितनी लाठियां पड़ी उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये तो आम लोग हैं ना, इनको मारना आम चीज़ है, लेकिन सरकार और सरकार के लोग बखूबी बेखौफ होकर, एक तरह से ये यूँ कह सकते हैं कि कोरोना से बेखौफ होकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और हजारों की तादाद में वहां पर लोग आ रहे हैं और उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नियम कानून नहीं लागू किया जा रहा है। बात कर लेते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने, हम आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने बोला, 4 दिन पहले बोला था कि बड़े बड़े नेताओं और स्टार कैंपेनर चुनावी राज्य में बिना मास्क लगाए रैली कर रहे हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, यानी कि ये बात चुनाव आयोग ने ही बोली थी और आज 4 दिन पूरे हो गए, ना तो किसी नेता पर और ना तो किसी दल पर कोई कार्रवाई की गई है, यानी कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं पीछे हटते नजर आ रहा। दूसरी तरफ कुंभ चल रहा है, कुंभ मेला चल रहा है जहां पर हजारों की तादाद में लोग कुंभ स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं और वहां पर अभी एक खबर आई है कि समथिंग 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि
उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने बोला था, एक बयान जारी किया था कि गंगा माँ के चरणों में या स्नान करने से कोई पॉजिटिव नहीं आता, और उनका बयान और वो गलत साबित होते हुए आज दिखाई दिए। अब बात कर लेते हैं कि रोहतक की, रोहतक से अगर आप दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली रोहतक क्रॉस करते ही आपको, आप कैब में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, तो सबसे पहले बस वाले या कैब वाले जो भैया होते हैं वो आपको बोलेंगे कि मास्क पहन लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं तब भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली पुलिस 2000 रुपये का चालान काट देगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो कानून है ये सिर्फ आम लोगों के लिए हैं और सरकार के लिए नहीं, ना तो सरकार के ऊपर, ना तो सरकार के किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी, और ना ही तो उनके जो दल हैं, जो उनके लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारे कानून, सारे जो भी लॉ वगैरह होते हैं वो सिर्फ जनता के लिए होते हैं और जनता को ही सिखाया जाता है। लेकिन हम आपको एक चीज इन सब के बीच ये भी बता दें कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां पर जनता और जो लीडर्स होते हैं उनके लिए बराबर कानून है। बात कर लेते हैं नार्वे की। नार्वे आपने सुना होगा, वहां के कुछ दिन पहले वहां पे एक नियम लागू किया गया था कि कोरोना को देखते हुए कि वहां पर कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, वहां 10 लोगों से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी दी और उसमें गलती से 13 लोग आ गए, यानी कि जो कानून है उससे 3 लोग ज्यादा थे। लेकिन वहां की पुलिस, जो वहां की पुलिस है, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी चालान काटा, उन पर जुर्माना लगाया, कई करोड़ का जुर्माना लगाया गया, और पुलिस वालों ने बयान भी जारी किया। उन्होंने बोला कि अगर ये आम लोगों की बात होती तो एक बार हम ये जुर्माना नहीं लगाते, क्योंकि ये एक नेता, एक प्रधानमंत्री की बात है और जो खुद ही इस कानून का उल्लंघन कर रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश की जनता पालन करती है जिस कानून का, और वो कानून बनाने वाला ही उल्लंघन कर रहा है, इसलिए वो जुर्माना काटा गया। इसे कहते हैं कानून, इसे कहते हैं लॉ। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे सारे कानून, सारे नियम सिर्फ से और सिर्फ आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। लोग मर रहे हैं, लोग कुछ भी करें, अभी आप देख सकते हैं कि हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, हर जगह स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। क्यों? आज के कुछ दिन पहले जब पहली बार कोरोना अपने देश में आया था, जब एंट्री की थी, जब लॉकडाउन लगा था, तो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को दिक्कतें हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद सारे वाहन, सारे सब कुछ स्थगित कर दिया गया था, सब कुछ बंद कर दिया गया था। प्रवासी मजदूरों के पास खाने के लिए नहीं था, पैसे नहीं थे, आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, तो पैदल ही उन्हें कई किलोमीटर का कोर्स, कई किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करनी पड़ी। पैदल गए लोग, आधे रास्ते में मर गए, तो कोई भूख से मर गया, कोई मालगाड़ी के नीचे आके मर गया, जिसका डर एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को सताने लगा है। और प्रवासी मजदूरों ने हजारों की संख्या में, आप देख सकते हैं, आप अपने हरियाणा में भी देख सकते हैं, जींद हो गया, सोनीपत हो गया, और अपना ये बहादुरगढ़ हो गया, जहाँ से जो प्रवासी मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, जो बिहार से आए हुए हैं, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो वह वापस भी आ जाएंगे, लेकिन अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उनके लिए मरने जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उनको फिर नहीं पता होता, ना तो उन्हें फिर सैलरी मिल पाती है, ना पैसे मिल पाते हैं, और ना सरकार ही उनके लिए कुछ करती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ पन्नों में दर्ज हो जाती है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग मर जाते हैं, लोग अपनी जो घर जाने की जो उनकी इच्छा होती है वो रास्ते में ही खत्म हो जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आनंद विहार चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से देश की जो स्थिति है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये कोरोना का संक्रमण है एक बार फिर से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर नाइट कर्फ्यू लग गया है, वीकेंड लॉकडाउन लग गया है, तो कहना 100% तो संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ उम्मीद है कुछ भी हो सकता है। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और सामने वाले इंसान को सुरक्षित रखिए। अगर काम हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर में रहें, सुरक्षित रहें, और
फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।